नमस्कार। आज की न्यूज के स्पेशल सेगमेंट साक्षात्कार में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य में कांग्रेस आखिर क्या वजह है कि हाशिए पर है, और किस तरह से पॉलिटिकल कैनवास पर अब कांग्रेस भी धीरे धीरे तमाम बड़े मुद्दों को तलाश रही है। इन्हीं तमाम मसलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की तरफ से थिंक टैंक वाले नेता कहे जाने वाले और राष्ट्रीय राजनीति में अपना खासा दखल रखने वाले श्री पंकज शर्मा जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास सेगमेंट में। पंकज जी, वैसे तो कांग्रेस के हिंदी विभाग के सचिव भी हैं और इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, और मध्य प्रदेश में साल 2018 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या कुछ उनका आकलन है और मध्य प्रदेश में उन्हें क्या राजनीतिक नब्ज इन दिनों दिखाई सुनाई दे रही है? सीधे उनसे मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। पंकज जी, मध्य प्रदेश में बात करें या देश में बात करें, कांग्रेस कहीं गुम सी हो गई है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? डिस्कनेक्ट। जी, जितना जनता के बीच काम हमारे मध्यम श्रेणी के नेताओं को करना चाहिए था, उससे नीचे के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए था, बिल्कुल वो शायद नहीं हुआ। एक चीज, क्योंकि पहले अपनी ही बात कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली जो शक्तियां हैं, उन्होंने इस बीच जिस तरह का उन्माद फैलाया और जनता जिस तरह उनके बहकावे में आ गई, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन कांग्रेस की भी अपनी कुछ कमजोरियां हैं। हमको जिस तरह से इन सब चीज़ों का प्रतिकार करना चाहिए था, बिल्कुल जिस तरह लड़ना चाहिए था, शायद हम लड़ने में थोड़े कमज़ोर पड़े। उसका नतीजा है कि कांग्रेस आज एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जी कि बहुत जल्दी स्थितियां बदलेंगी, क्योंकि 3 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में जो शासन है जी, उससे लोगों में निराशा अब तेजी से शुरू होने लगी है। 3 साल में कुछ खास हुआ नहीं है, बातें बहुत हुई हैं। पुरानी सरकारों के कामकाज को अपना बताकर श्रेय लेने का काम तो बहुत हुआ है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र की सरकार पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, और अब ये जो नतीजे दिखाई देंगे, अभी आपने देखा होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि किस तरह सरकार ने GDP के फिगर्स को मैनिपुलेट किया और बढ़ा चढ़ाकर बताया। तो हम एक अर्थव्यवस्था की अपनी गुलाबी तस्वीर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, लेकिन देश में तो लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि किस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई इस वक्त अपने चरम पर है। ठीक है कि जिस तरह रिएक्शन होना चाहिए जनता के बीच भी, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस फ्रंट पर थोड़ी सी अपने को कमज़ोर महसूस कर रही हैं, तो आंदोलन उस तरह खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्थितियां नीचे बहुत बिगड़ती जा रही हैं। अगले साल 6 महीने में स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। पंकज जी, आपकी बातों पर अगर गौर किया जाए तो 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे रहे विधानसभा चुनाव के, वो कहीं भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी से, या कहा जाए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से, जनता जो है नाराज़ है। तमाम बड़े और क्रांतिकारी फैसले हुए, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का मसला हो, या अर्थव्यवस्था में और भी तमाम जो अमूलचूल परिवर्तन की बातें आई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि GDP जैसे मसलों पर ज़रूर जो है सरकार को कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में कहीं अभी कांग्रेस की दस्तक भी नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कमज़ोर विपक्ष ही है जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम राजनीतिक ग्राफ को बढ़ाता जा रहा है? मैं मानता हूं कि विपक्ष की कमजोरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बड़ी लाभदायक स्थिति में है। खुद भारतीय जनता पार्टी उतनी लाभदायक स्थिति में नहीं है मूलतः, और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा नरेंद्र मोदी का असर लोगों पर अब तक है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बड़ी तेजी से उनकी भी अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अभी ये जो चुनाव हुए हैं, इनमें अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे, वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा नहीं है, उल्टे घटा है। कांग्रेस के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। सीटों के मामले में जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, और चूंकि उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में इतनी सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी आ गई, अब उस पर अपने अपने लोगों के विचार भी हैं, विवाद भी है, और EVM पर भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें पंजाब की जो जीत थी कांग्रेस की, तो उसको लोग भूल गए। गोवा में और मणिपुर में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को छला, उसके नतीजों को जिस तरह नकार कर, मनमानी करके वहाँ सरकारें बनाई, वो चीज़ें दब गई, वो चीज़ें उस तरह से लोगों के दिमागों में जाकर
हम लोग बैठा नहीं पाए जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाता है पंकज जी? कांग्रेस के पास मुद्दे बहुत सारे हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस उसको सशक्त ढंग से जनता के बीच नहीं ला पाती। क्या इसको कहीं कहीं ना कहीं नेतृत्वहीनता है, या कहा जाए कि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं चल पाती है? देखिए, गांधी परिवार के बिना कांग्रेस चल ही नहीं सकती जी। इसलिए नहीं कि कोई विरासत का मामला है, इसलिए कि उनसे ज़्यादा परिश्रम करने वाला और जनता को अपनी तरफ खींचने वाला कोई और चेहरे पार्टी में उस तरह से है ही नहीं। कोई एक भी चेहरा ऐसा हो तो आप बताएं, सोनिया जी की मेहनत में और राहुल जी की मेहनत में, उनकी नेक नियति में क्या कमी है ये कोई बताए। लेकिन जनता स्वीकार भी नहीं कर रही ना उनकी इस मेहनत को, सवाल ये भी खड़ा है। जो मैंने आपसे कहा, मझले दर्जे की जो का जो नेतृत्व है कांग्रेस का और उससे नीचे का, वो उसको ठीक से ट्रांसलेट नहीं करा पा रहा है। अब आज कांग्रेस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिन लोगों को जो जिम्मेदारियां देते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, वो है मुद्दा। एनालिसिस नहीं होता है कांग्रेस में, इसका मतलब कि कौन सा नेता कितना डिवोटी है, कितना डेडिकेशन के साथ वो पॉलिटिकल मैसेज को वर्कर तक पहुंचा रहा है, पब्लिक तक पहुंचा रहा है? मेरा ख्याल है कि ज़रूर इस पर विश्लेषण होता है जी, जी। लेकिन इस विश्लेषण के बाद जितनी तेज़ी से कदम उठाए जाने चाहिए इन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, वो शायद पिछले कुछ वक्त में उतनी तेज़ी से और उतनी सख्ती से नहीं उठाए जा सके। क्योंकि हर नेता का काम करने का अपना एक तरीका होता है। जो मैंने जितना देखा और समझा है जी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और उपाध्यक्ष राहुल जी, ये दोनों थोड़े माइल्ड पर्सनैलिटी के हैं, दूसरों का ध्यान रखते हैं, बहुत रूथलेस होकर कोई फैसला नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक एकोमोडेट करके रख सकें। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज़्यादा सख्त और कुछ मामलों में थोड़ा ज़्यादा रूथलेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पार्टी को एक संगठन को चलाने के लिए जिस तरह के अनुशासन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, और जो जो काम करने वाले लोग हैं उनको पूरा मौका काम करने का मिले, और जो काम में खलल डालने वाले लोग हैं उनको हम किनारे करें, ये आज की ज़रूरत है। चलिए, सियासत में स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी बात होती है, और शायद आपने इसी बात को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार जरूर किया है कि आगे और मंथन विश्लेषण की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, आप मध्य प्रदेश से आते हैं, इंदौर से बहुत गहरा नाता रखते हैं, लगातार पिछले चुनावों में भी आपकी सक्रियता को देखा गया है, लोग चाहे बात चाहे लोकसभा चुनाव की रही हो या विधानसभा चुनाव की, 2018 का मिशन भी बहुत नज़दीक है, कांग्रेस की कोई तैयारी नजर नहीं आती, बार बार चेहरों की कवायद चलती है, कभी कहा जाता है कि कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अगला मुख्यमंत्री होंगे या उनका चेहरा प्रोजेक्ट करेगी कांग्रेस, तो कभी कमलनाथ जी का चेहरा आगे लाया जाता है, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है कांग्रेस में अंदरूनी इस राजनीति को लेकर? देखिए, अब चेहरा किसका आगे लाया जाता है, नहीं लाया जाता है, लाया जाना चाहिए या नहीं लाया जाना चाहिए, इस पर सब लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। एक बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर 2018 में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपना झंडा गाड़ना है तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ 550 दिन बाकी है, 350 दिन इस साल के, और समझ लीजिए करीब 350 दिन ही अगले साल के। इन 550 दिनों में एक एक कदम उठाकर और सोच समझकर सही फैसले लेकर एकजुटता के साथ इधर उधर की बयानबाजी किए बिना अगर कांग्रेस के सारे साथी मिलकर चलेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि मतदाता कांग्रेस के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, लोग कांग्रेस को दोबारा मध्य प्रदेश में लाना चाहते हैं। अब कांग्रेस के सारे लोग मिलजुल कर अगर जनता के की इस राय में, जनता की इस मंशा में अपना साथ दे देंगे तो कांग्रेस लौट आएगी। लेकिन अगर हम लोग खुद ही अपने आधार को मजबूत नहीं करना चाहेंगे या अपना खेल खुद ही बिगाड़ना चाहेंगे तो फिर तो ऊपर से ईश्वर आकर भी कांग्रेस की मदद नहीं कर सकता। इसकी कितनी प्रतिशत संभावना है कि नेता एकजुट हो जाएंगे? देखिए, संभावना मेरे हिसाब से 100% है। उसका कारण ये भी है कि 15 साल हो गए हैं जी, और अगर इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनी प्रदेश में तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के 80% लोगों की राजनीति, चाहे वो कार्यकर्ता के स्तर पर है, चाहे वो मध्यम दर्जे के नेतृत्व के स्तर पर है, चाहे प्रदेश के शिखर नेतृत्व के स्तर पर है, 80% लोगों की राजनीति तो समाप्त हो जाएगी। 15 साल में
एक पूरा वर्ग ऐसा है मतदाताओं का जिसने कांग्रेस की सरकार यहाँ देखी नहीं है कि कैसे काम करती थी, क्या था। तो ये तो आखिरी मौका है एक तरह से। तो जब आखिरी मौका होता है तो करो या मरो। बिल्कुल ठीक है। अब इस बार कोई इसके बाद कोई मौका आएगा ये सोचना बेकार है। बिल्कुल ठीक बात है। आपकी तरफ से चुनावी मंत्र क्या होगा, क्योंकि आपने जो है कांग्रेस संदेश को भी काफी समय तक नेतृत्व दिया है और थिंक टैंक वाली पॉलिटिक्स के आप माहिर जो है राजनेता माने जाते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस को कोई जीत का फॉर्मूला लाना होगा तो ऐसे कौन से मंत्र होंगे जिन्हें उस फॉर्मूले में सम्मिलित करना होगा ताकि कांग्रेस जीत के नजदीक आ सके। देखिए, बहुत तेजी से और बहुत ठोस तरीके से, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करना होगा। ऐसी भ्रष्ट सरकार जो मध्य प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी भ्रष्ट सरकार पहले कभी देखी नहीं गई। हो क्या रहा है कि मुद्दे आकार नहीं ले पा रहे हैं। अब व्यापम जैसी चीज, लेकिन उसका जो असर पड़ना चाहिए जनमानस पर, वो असर शायद नहीं पड़ा। तो एक तो भ्रष्टाचार, क्योंकि ये जो एक मान्यता बन गई है कि नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हैं, ये सच नहीं। तो एक तो सबसे पहले ये चीज़ को उजागर करना होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार भ्रष्ट है, और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक एक चीज़ की मिसाल उसकी देनी होगी। दूसरा, इस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का जो फैलाव हो रहा है वो इस अवधारणा पर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी केंद्र में हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और बड़ी एक ईमानदार सरकार आ गई है, और एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में है जो कि कुछ करके दिखाएगा, और वो कहते हैं कि मैं करके रहूँगा, ये तो होके रहेगा। 3 साल में न तो वो कुछ करके रहे न कुछ होके रहा, तो उनकी असफलताओं को भी बहुत तेज़ी से दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के साथ जो भी बाकी राज्यों में चुनाव होंगे तो उनमें इसका निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। अब तक जो कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए पर आई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कांग्रेस में जब जब भी जिम्मेदारी की बात आती है तो कोई नेता सामने नहीं आता, बात चाहे हम पीसीसी अध्यक्ष की कर लें या अन्य कोई बड़े राजनेता की कर लें। जब तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के दौरों पर थे तो पूरा ठीकरा उनके माथे फोड़ दिया जाता था और विपक्षी दल ने बंटाधार तक की पदवी उनको दे दी थी। ऐसे में आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस में जब जब भी कटाक्ष की बात आती है तो कोई बड़ा राजनेता सामने नहीं आता? आप इसके लिए किसके दोषी मानते हैं? खुद को जी। और जब कांग्रेस का एक एक व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगेगा कि आज की स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तभी स्थितियाँ सुधरेंगी। वो क्या रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, बाकी सब दोषी हैं। ये जब तक रवैया रहेगा तब तक कांग्रेस में सुधार आना मुश्किल है। देखिए, हर स्तर पर सारे लोग ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं दोषी हैं, कहीं ना कहीं उनकी कोई कमजोरी रही, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का सही समय पर सही तरीके से पालन करने में कोई कोताही कर दी, तभी तो ये नतीजे आज हमारे सामने हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक निचले स्तर के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर हमारे शिखर नेतृत्व तक इस बात पर विचार करना होगा कि किससे अपनी भूमिका निभाने में कहाँ कौन सी खामी रह गई और हम उस खामी को कैसे जल्दी से जल्दी दूर करें। ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में आप अपनी भूमिका कैसे तय करते हैं? आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं और मुझे ऐसा लगता है कि गांव-गांव चौपाल-चौपाल कांग्रेस के नेताओं को घूमना होगा, और आप चूंकि मध्य प्रदेश से गहरा नाता रखते हैं इसलिए जिम्मेदारी आपकी भी कहीं ना कहीं बनेगी। किस तरह से आप अपनी भूमिका को इन चुनावों में देखते हैं? देखिए, पार्टी संगठन में जैसे होता है कि हम लोग अपनी भूमिका खुद तो तय नहीं कर सकते, भूमिका तय होगी जो ऊपर बैठे लोग हैं वो जिसकी जो भूमिका तय करेंगे, और मेरी जो भूमिका तय करेंगे वो मैं उसका पूरी ईमानदारी और अपने पूरी क्षमता से निर्वाह करने की कोशिश करूंगा, और बाकी भी लोग यही करेंगे। अब ये भी देखिए, लेकिन इसमें भी एक यही सब पेंच है जी। जिस दिन कांग्रेस में हमारे बहुत से नेता ये समझ जाएंगे कि किसको क्या भूमिका देनी चाहिए, कौन किस भूमिका के उपयुक्त है, और वो भूमिका उनको देने लगेंगे तो कांग्रेस का स्वरूप अपने आप बदलने लगेगा। होता क्या है कि मुझे मालूम है कि फलां व्यक्ति ये काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन मैं उसको वो काम नहीं करने दूंगा। ये प्रवृत्ति बड़ी तेज़ी से कांग्रेस में पनपी है पिछले कुछ वर्षों में, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरों को कुछ करने देना नहीं है। ऐसे कौन से नेता हैं उनको बेनकाब आप करना चाहेंगे? मैं किसी के देखिए मैं प्रवृत्ति के खिलाफ हूँ,
वो प्रवृत्ति अगर मुझ में है तो मैं खुद के भी खिलाफ हूँ, उसमें नाम और पतों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि कांग्रेस में भी अब छंटनी होना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस के हाशिए पे जाने की वजह भी मुझे लगता है वही पुराने चेहरे हैं जो कि सेम फॉर्मूला बार बार एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर बाद में जो है निराशा हाथ लगती है। नहीं, ये छटनी होनी चाहिए, पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे भी आने चाहिए, लेकिन इन चेहरों की जगह कौन से चेहरे आने चाहिए, रिप्लेसमेंट, यही तो मूल सवाल है। यही मूल सवाल है। हम कहने को तो कह सकते हैं कि अब फला जी को हटा दिया जाए, लेकिन अब नाम लेने में संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं नाम लेने में इसलिए संकोच कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तियों पर जाता ही नहीं, मैं प्रवृत्तियों पर जाता हूँ। मैं इस बात पर जाता हूँ कि किस में क्या प्रवृत्ति है। देखिए क्या होता है कि ये राजनीति एक तरह का सामाजिक काम है, राजनीतिक संगठन भी एक तरह के सामाजिक संगठन है। जैसी प्रवृत्ति जिस नेता की होती है वैसी ही प्रवृत्ति के लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसका एक समूह बन जाता है। मैं अपनी तरह के व्यक्ति के साथ जुड़कर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कोई और दूसरा है जिसके राजनीति में कुछ अलग किस्म के इंटरेस्ट हैं, वो दूसरे तरह के आदमी के साथ जुड़कर काम करना चाहता है। तो हमको प्रवृत्ति पर ध्यान देना है, व्यक्ति कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उससे क्या है। अगर मैं झूठ को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं छल को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं दगाबाजी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पंकज शर्मा को हटा दिया जाना चाहिए। तो इसमें और पंकज शर्मा क्या है भाई, वो अपनी प्रवृत्तियों से जाने जाते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से जाना जाता है। अगर इंदिरा जी हैं, नेहरू जी हैं, सोनिया जी हैं, राजीव जी हैं, वो कुछ उसूलों के लिए, मूल्यों के लिए, सिद्धांतों के लिए से उनकी पहचान है। तो ये प्रवृत्ति की बात है, किसमें कैसी प्रवृत्ति है। तो सबसे पहले यही देखना चाहिए कि किस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को हम आगे बढ़ने का मौका दें। ठीक बात है। आने वाले दिनों में चेहरों की कवायद और तेज होने वाली है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी चेहरों पर मंथन तेज हो जाएगा। फिलहाल चार जो बड़े चेहरे हैं जो कि मीडिया के कैमरों की नजरों में भी है, चौथे स्तंभ के प्रहरी होने के नाते आप भी उनसे वाकिफ होंगे। पहला चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, दूसरा चेहरा है कमलनाथ का, तीसरा चेहरा है अजय सिंह नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया का, और चौथा चेहरा है पीसीसी वर्तमान अध्यक्ष अरुण यादव का। इन चारों चेहरों पर अगर एक नजर डाली जाए तो कौन सा चेहरा आपको बेहतर नजर आता है? चारों चेहरों का सामंजस्य सबसे बेहतर है। ये राजनीतिक सूझबूझ भरा सवाल जवाब है आपका। चारों चेहरों का जो सामंजस्य है जी जी, वो सबसे बेहतर है। अगर इन चेहरों को अलग अलग करके देखेंगे तो फिर वो मंजिल नहीं मिलेगी जो मंजिल हम मध्य प्रदेश में पाना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को भी अचानक से दो राज्यों के प्रभार से हटा दिया गया मध्य प्रदेश की तरफ, अब वो क्या लगता है आपको रुख करेंगे और कितना फायदा कितना नुकसान उनका मध्य प्रदेश में आने? वो एक वरिष्ठ नेता है जी, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में उनके बारे में क्या राय है क्या राय नहीं है मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये तथ्य है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में उनका वजूद है। मध्य प्रदेश में सिर्फ चुनाव जीतने के हिसाब से नहीं, कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए जैसे बाकी सब लोगों की अपनी अपनी भूमिका आवश्यक है, ऐसे ही उनकी भी भूमिका आवश्यक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और कांग्रेस ने उनको बहुत दिया है, दिग्विजय सिंह जी को, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की वजह से दिग्विजय सिंह, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि वो पूरी तरह निष्ठावान कांग्रेसी है, नेतृत्व के प्रति हमेशा उनकी निष्ठा रही है। तो मध्य प्रदेश के अगले चुनावों में वो अपनी पूरी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करेंगे और सब लोगों को उनकी सकारात्मक भूमिका रहे इस बात के लिए प्रयास भी करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह साथ आए तो तैयार, सभी साथ ही काम, देखिए कमलनाथ जी हों, सिंधिया जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, राहुल सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, बहुत चेहरे हैं और सबका अपना अपना महत्व है, पूरे प्रदेश में महत्व है, अपने अपने इलाकों में महत्व है, उनके साथ एक लंबा अनुभव जुड़ा हुआ है। और आज जो संघर्ष हमको करना है 2018 का, उसमें अपना तेरी की बात तो हम सोच ही नहीं सकते। ये आखिरी मौका है, ठीक है, ये आखिरी मौका है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो भी चुनाव 2018 में होने वाले हैं, इन चुनावों पर 2019 के लोकसभा चुनावों का भविष्य टिका हुआ है, ठीक बात, पूरी पार्टी का भविष्य टिका है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भविष्य टिका है। तो इस चुनाव में तो इधर उधर की कोई बात सोचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और कांग्रेस के उन नेताओं को क्या नसीहत या क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति को जोड़कर भी देखते होंगे, तो किस तरह से अनुभव करते हैं
कि कौन से ऐसे सुधार के फॉर्मूले हैं जो कि नेताओं को अब आने वाले दिनों में अपनाना होंगे। सबसे पहले एक काम करना है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने के बजाय अपने अपने इलाकों में संगठन को मजबूत बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकालने के काम पर लगे। देखिए, कांग्रेस के बहुत से लोगों में ये खाम ख्याली पैदा हो गई है कि जैसे वो कोई बहुत बड़े नेता हैं। बड़ा नेता तब होता है जब संगठन मजबूत हो। आज कांग्रेस, अगर हम सब बहुत बड़े नेता हैं, बाकी सब बहुत बड़े नेता हैं, तो फिर कांग्रेस की आज ये स्थिति क्यों है? तो इनका बड़प्पन भी तभी साबित होगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। ये प्रवृत्ति, जब पार्टी कमज़ोर होती है तो ये प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, अनावश्यक बयानबाजी, ठीक बात है, एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी करने की, ये उसका मौका नहीं है। क्योंकि मैं, ये कोई सत्ता की लड़ाई की बात नहीं है कि चुनाव सत्ता की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की इसलिए बनना ज़रूरी नहीं है कि सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ये लड़ाई हम इसी तरह हारते गए तो असल में हम उसूलों की लड़ाई हार रहे हैं। ये देश जिस तरफ जा रहा है, ये जिस तरह का एक यूनिफॉर्मिटी, पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, सोशल यूनिफॉर्मिटी, आइडियाज़ की यूनिफॉर्मिटी, ये जिस दौर में देश को धकेल दिया गया है, और पिछले 3 साल से जिस तरह से एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर की आप क्या कहना चाहेंगे? वीआईपी कल्चर के आप समर्थक हैं या जो आप ये सरकार का? वीआईपी कल्चर का तो कोई समर्थक नहीं हो सकता, लेकिन ये इसमें सरकार का कुछ नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन क्रेडिट तो मोदी सरकार को, देखिए वो तो हर चीज़ की, जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी जो सुरंग बनी उसकी भी क्रेडिट उन्हीं की है, मंगलयान उतरा उसकी भी क्रेडिट उन्हीं की है, तो सब चीज़ों की क्रेडिट उन्हीं की है, नोटबंदी की भी क्रेडिट उन्हीं की है। अभी जब ये नोटबंदी के नतीजे आने शुरू होंगे, जब ये बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की असली हालत लोगों के सामने आएगी, तब वो कितनी इसकी डिस्क्रेडिट लेने को तैयार होंगे तब पता चलेगा। आज रिजर्व बैंक का गवर्नर ये नहीं बता पा रहा है कि ब्लैक मनी कितनी आई या नहीं आई, उसने कहा ये मुझे नहीं पता, सरकार से पूछिए। अभी तो शुरुआत है। 8 नवंबर को नोटबंदी करके 2-4 महीने तो बहुत अपने को प्रोजेक्ट कर लिया, अब जब नतीजे सामने आएंगे तब देखते हैं कौन कितनी क्रेडिट लेता है। चलिए, यहाँ पर ये थे विभाग पंकज शर्मा जी, जो कि सीधे तौर पर न केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को बल्कि आम कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देते दिखाई दिए कि अब आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता को एकजुट होना होगा, तभी आने वाले दिनों में मिशन 2018 फतह कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। बहरहाल, देखना होगा कि उनके सुधार के इस फॉर्मूले को कितना अमल में ला पाते हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता। और तमाम बड़े राजनेताओं की भी अगर बात करें तो पंकज शर्मा जी उन्हें लेकर भी अपनी विभाग टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहे। हमारे खास सेगमेंट साक्षात्कार में आज इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और हस्ती के साथ, एक और व्यक्तित्व के साथ, तमाम सवालों की फहरिस्त के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।